लंदन समारोह जारी है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन्स पर, तमाम दिग्गज यहां पर पहुंचे हैं, उन्हें फूल माला पहनाई जा रही है। तो कांग्रेस पार्टी के बड़े दिग्गज नेता चौधरी नारायण सिंह, इनके राजनीतिक और सामाजिक सेवा में जो सफलतम इन्होंने पूरे 6 दशक पूरे करे हैं, उसी के तहत इनका सम्मान यहां पर किया जा रहा है। और इस सम्मान समारोह में तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीएम अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, सीकर जिले के जो सभी विधायक हैं वो यहां पर मौजूद हैं, और एक बड़ा जन सैलाब भी यहां तस्वीरों में देखने को मिल रहा है, इस अभिनंदन समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। और चलिए इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी गोवर्धन चौधरी हमारे साथ लगातार हमें अपडेट वहां से दे रहे हैं, उनका हम रुख करते हैं। गोवर्धन जी, जिस तरह से पूरे सफल 6 दशक, एक लंबा अरसा इसे कहा जाएगा, बड़ी विरासत होते हैं इस तरह के दिग्गज नेता किसी भी पार्टी के लिए, और ऐसे में इसका महत्व कांग्रेस पार्टी बखूबी समझती है। और आज इस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं, सीकर जिले के जो सभी विधायक है वो पहुंचे हैं, जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे हैं। मैं सभी मंत्रियों का बिल्कुल देखिए, नारायण सिंह ने 6 दशक तक सीकर जिले की राजनीति की है और ग्रास रूट से राजनीति शुरू करने वाले नेताओं में वो रहे हैं, खास करके आजादी की पहले से लेकर के, और वो सक्रिय यहाँ पर रहे। ग्राम पंचायत की जो राजनीति है वहाँ से शुरुआत करके और उन्होंने विधानसभा तक की राजनीति यहाँ पर की, और अब वो एक मार्गदर्शक की भूमिका में जाने को तैयार हैं। इस बार उन्होंने चुनाव नहीं लड़के राजनीति से संन्यास के संकेत दिए थे, लेकिन राजनेता आसानी से रिटायर नहीं हो सकता, जब तक आप जनता के बीच में रहते हैं लोग रिटायर नहीं होने देते। और यही वजह है कि इस बार चुनाव नहीं लड़ने के बावजूद, अब पंचायत चुनाव से ठीक पहले 61 साल राजनीति में पूरा करने पर एक सम्मान समारोह उनके सम्मान में रखा गया है, जिसमें बड़ी तादाद में सीकर जिले के अलावा आसपास के जो नेता हैं, खुद सीएम अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सहित कई मंत्री और दर्जन भर जो विधायक हैं वो यहाँ पर उनके सम्मान समारोह में आने का मतलब साफ है कि कांग्रेस की राजनीति में भी उनका अभी जो दबदबा है वो लगातार कायम है। हालांकि जब वो पीसीसी चीफ थे उस वक्त भी काफी वो चर्चा में रहे थे अपने स्टैंड को लेकर के, जो हमें याद है कांग्रेस में परंपरा रही है कि जो प्रदेश प्रभारी आते हैं तो उनको छोड़ने के लिए प्रदेश अध्यक्ष आमतौर पर जाया करते हैं, लेकिन नारायण सिंह उन नेताओं में नहीं थे, वो कभी भी किसी को भी छोड़ने तक वो नहीं जाते थे। वो अपना जो डेकोरम रहता है पीसी चीफ का, उनका कहना था कि जो एक यहाँ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष होता है उसका एक डेकोरम होता है, तो वो किसी को छोड़ने तक नहीं जाते थे। तो काफी उस वक्त विवाद भी हुए थे उनके स्टैंड को लेकर के, क्योंकि एक बार जो फैसला वो कर लेते थे तो पीसीसी चीफ रहते हुए उन्होंने किसी को भी उसमें दखल देने के लिए अनुमति नहीं दी, चाहे उस वक्त के नेता प्रतिपक्ष हो, चाहे उस समय पूर्व मुख्यमंत्री रहे हुए नेता हो, उन्होंने किसी को भी अपने निर्णय प्रक्रिया में दखल नहीं देने दिया। और यही वजह है कि पीसीसी चीफ के तौर पर कई उनके जो समर्थक हैं आज भी उनके कार्यकाल को याद करते हैं, क्योंकि अगर सीकर जिले की राजनीति की बात की जाए तो उन्होंने एक काफी लंबे समय तक राजनीति करने के साथ साथ कई नेता भी उन्होंने दिए हैं। फिलहाल सीएम अशोक गहलोत हैं, वो इस सम्मान समारोह को कुछ ही देर में वो संबोधित करेंगे और उसके बाद जी बिल्कुल तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं डिप्टी सीएम क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री परम सम्मानीय अशोक गहलोत साहब, आदरणीय नारायण सिंह जी, जिनके लिए आज हम सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, हमारे प्रदेश के मंत्री गोविंद डोटासरा जी, सुभाष गर्ग साहब, रामेश्वर डूडी जी, महेंद्र चौधरी जी, जिलाध्यक्ष पीएस जाट साहब, महादेव खंडेला साहब, नरेंद्र बुड़ानिया जी, कृष्ण मोदी जी, मनी साहब, मेहरिया जी,
आदरणीय घनश्याम तिवारी साहब, वीरेंद्र सिंह जी, राकेश पारिक जी, इंदिराज जी, रीटा जी, चेतन डूडी साहब, वीरेंद्र बेनीवाल जी, प्रशांत बैरवा जी, आलोक बेनीवाल जी, पालेंदू जी, सुभाष मीन, जीवन खान साहब, मंच पर सभी अतिथिगण, इस कार्यक्रम में आज इतनी बड़ी संख्या में मौजूद किसान भाइयों, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं और बहनों, आज नारायण सिंह जी को सम्मानित करने, उनके योगदान को देखने समझने के लिए हम सब अपने अपने काम छोड़कर आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि हम सब पहले सबसे पहले जोरदार तालियां देकर नारायण सिंह जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। अभी घनश्याम तिवारी जी बोल रहे थे, तिवारी जी पुराने वक्ता हैं, उन्होंने सारा आगे पीछे की बात सारी कह दी, आपने सुन ली। लेकिन एक कारण है कि आज यहाँ हम सब लोग, सरकार के सभी लोग, संगठन के लोग, किसान लोग, इस क्षेत्र के सब लोग यहाँ इकट्ठा होकर आपको सम्मानित करने के लिए आए हैं। 6 दशक का समय कोई छोटा समय नहीं होता। 6 दशक तक आपने जनता की सेवा करी है। हमने बहुत कार्यक्रम देखे, सरकार के भी देखे, राजनीतिक देखे, आंदोलन भी देखे, लेकिन आज यहाँ इतनी बड़ी तादाद में आप लोग इकट्ठा हुए हो, अपने मन से, अपने भाव से एक ऐसे व्यक्ति को आशीर्वाद देने के लिए, प्यार देने के लिए इकट्ठा हुए हो, और आप सबकी भावनाओं में हमारी भावनाएं सम्मिलित है। आदरणीय नारायण सिंह जी बहुत लंबे समय से राजनीति में हैं, और आप जानते हो कि नारायण सिंह जी का काम करने का तरीका अलग है, और मैं समझता हूं पूरे राजस्थान में और कांग्रेस पार्टी में वो शायद अकेले ऐसे नेता होंगे जो इतना कड़क बोल जाए और फिर भी कोई बुरा नहीं मानता उनकी बात का, और कोई छोटा मोटा आवाज ऊंची कर दे, और कोई व्यक्ति छोटा मोटा आवाज ऊंची कर दे तो जनता उसका धुआं निकाल दे। लेकिन नारायण सिंह जी का काम करने का तरीका और ये जो बोलते हैं, और ये मैं अक्सर बोलता हूं कि वही व्यक्ति जोर से कड़क बोल सकता है जिसके मन में ईमानदारी और सच्चाई है, जिसके मन में चोर है, जिसके मन में घृणा है, जिसके मन में पाप है, वो ऊंची आवाज में नहीं बोलता।